फ्रेंड, टेक्नोस पार्क इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मेरे पास सिस्का कंपनी के 20 वाट की एलईडी ट्यूबलाइट है, जिसको मैं आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। ये हमारी जो ट्यूबलाइट है, ये फुल तरीके से डेड है। तो क्या करेंगे कि इसका जो सर्किट है, सर्किट हाँ मैं एलईडी को अंदर रख देता हूँ, कोई बात नहीं, एलईडी तो ठीक है, बट जो हमारा सर्किट है, सर्किट में दिक्कत है। मैं सबसे पहले आपको इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ कि जो भी आपके सामने फॉल्ट होता है वो आपको सबसे पहले ऊपर ही दिख जाता है। देखिए हमारी जो रेजिस्टेंस है, बल्ब दिख रही है, ये देखिए जली हुई दिख रही है, ये ब्लैक कलर का बना हुआ है। एक हमारा एमओवी जो है फट चुका है, मतलब एमओवी शॉर्ट हुआ है, तभी हमारी फ्यूज रेजिस्टेंस जो है बर्न हो चुकी है। तो अभी हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इस देखिए फ्रेंड, तो हमने एक दो तार जोड़ दिया है जिससे कि हम एसी सप्लाई इनपुट कर पाएंगे। तो मैं इसको स्विच लाइन से पावर दे देता हूँ। स्विच लाइन से मैंने पावर दे दिया, मल्टीमीटर को मैंने एसी रेंज पर सेट कर दिया है। इसके बाद मैं इसकी जो दोनों प्रोफाइल दिखा देना चाहता हूँ कि हाँ हमारी जो एसी सप्लाई है इनपुट हो रही है, एसी सप्लाई यहाँ पर इनपुट हो रही है। देखिए जो 238-40 प्रकार से वोल्टेज हो रही है, मैं इसको यहाँ शॉर्ट करके दिखा देता हूँ कि हमारी स्विच लाइन से जो पावर है आ रही है। देखिए हमारा जो बल्ब है ग्लो हो जाता है, मतलब पावर हमारी यहाँ तक इनपुट हो रही है। और इसके बाद इस जो हमारा इसके बाद क्या होता है कि ये देखिए, हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ से हमारा आउट होना चाहिए था, जो रेजिस्टेंस के आउटपुट वाले पॉइंट पर हमको सप्लाई नहीं मिल रही, इनपुट वाले पर मिल रही है। इसका अर्थात यही है कि हमारी रेजिस्टेंस पूरी तरीके से बर्न हो चुकी है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, अगर आपके पास रेजिस्टेंस है 82 ओम, कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस है तो आप लगा सकते हैं फ्यूज रेजिस्टेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस प्रकार से दो तार ले लीजिए और एक जम्पर मार दीजिए। आप जम्पर मारकर भी अपना काम चला सकते हैं। अगर मान लीजिए जिनके पास रेजिस्टेंस है वो तो आप लगा सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए यही सरल तरीका है कि दो तार लेकर, बारीक से तार लेकर उसको शॉर्ट कर दीजिए। रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट पर आपको इस जम्पर को लगा देना होगा, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ से, देखिए मैंने यहाँ एक पॉइंट को सोल्डरिंग कर दिया है और दूसरे वाले पॉइंट पर मैं सोल्डरिंग कर दूंगा। मैंने इसके दूसरे वाले देखिए रेजिस्टेंस का एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, यहाँ से एक जम्पर लेके इस वाले रेजिस्टेंस के इस वाले पॉइंट तक आपको जम्पर मार देना, जैसे कि मैंने मार दिया है। मारने के बाद अब मैं इसको स्विच लाइन से पावर दूंगा, तो देखता हूँ क्या इसमें क्या होता है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा जो हमारा ये बल्ब है, ये देखिए ग्लो हो रहा है। और मैं फिर से पावर दे देता हूँ, मैंने पावर दे दिया, अभी फिर से हमारा यहाँ धुआं एक उठ रहा है। मैं अभी आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ कि धुआं हमारा अभी उठेगा, आप देखिएगा अपनी आंखों के। तो सॉरी फ्रेंड्स, हाँ मैं इसको अभी कुछ इस प्रकार से, हाँ मैं अभी इसको यहाँ से स्विच लाइन से पावर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो हमारा धुआं है देखिए उठ रहा है। अभी ये अपने आप ऑटोमेटिक टूट जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं ही इसको हटा देता हूँ। अगर आपके पास एमओवी हो तो आप लगा दीजिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। क्योंकि देखिए हमारा जो रेड कलर का पीएफ लगा हुआ है, तो ये भी हमारा काम कर जाता है एमओवी का। तो ये इसको हमने हटा दिया है और अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है रिजल्ट। तो अगर मैं इसमें एमओवी नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन बट अगर हम एमओवी लगा देंगे तो हमारा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो बरकरार रहेगा। रेजिस्टेंस है तो आप रेजिस्टेंस भी लगा दीजिए, तो आपका वो भी सही काम करेगा, फ्यूज की तरह ही काम करेगा। बट आप अगर रेजिस्टेंस नहीं हो उपलब्ध हो पाती है, तो आप क्या करेंगे कि आप एक पतला वायर लेकर जम्पर मार दीजिए, जैसे कि मैंने इस पर जम्पर मार दिया है। हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखें इस तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।